आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का मुद्दा है शिवपाल सिंह यादव। जी हां, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं और इससे बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़नी बिल्कुल तय है। और अखिलेश यादव को भी अब चाचा का साथ बिल्कुल पसंद हो सकता है और वो कह सकते हैं हाँ हम साथ साथ हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही कि मुलायम सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दूसरी तरफ मुलायम सिंह ये चाहते हैं कि अब उनका मुलायम का जो कुनबा है वो एक हो जाए और शिवपाल यानी कि चाचा भतीजे में जो भी राज चल रही थी, तकरार चल रही थी, वो फिलहाल अब खत्म कर दी जाए। और आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर जो बाईपोल्स होने वाले हैं उनको लेकर चाचा भतीजे अब एकजुट हो जाए। अब ऐसे में शिवपाल की तरफ से थोड़े से सकारात्मक जो है संकेत मिल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सपा के साथ मिलकर काम करें। खबरें आ रही हैं कि जो मीटिंग हुई सैफई में मुलायम सिंह यादव के परिवार, मुलायम सिंह यादव ने जो पूरे परिवार को बैठा कर बात की, उसमें ये निकल कर बातें सामने आ रही कि शिवपाल ने ये कहा है कि हम उपचुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन हम पीएसपी का सपा में विलय नहीं करेंगे। और शिवपाल ने इसे पीछे की बड़ी वजह ये बताई है कि वो पहले उन नेताओं से बात करेंगे जिन्होंने पीएसपी के बुरे दिनों में उनका साथ दिया, यानी कि उनकी पार्टी को बनाने में जिन्होंने नेताओं ने साथ दिया है उन नेताओं से सलाह मशवरा करेंगे और फिर वो इस निष्कर्ष पर आएंगे कि आखिर उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ जाना है या फिर नहीं जाना है। अब शिवपाल सिंह यादव के खाते में, शिवपाल सिंह के यादव के हाथों में गेंद है, वो किस पाले में डालते हैं तो वो जाने, लेकिन हाँ शिवपाल सिंह यादव ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि वो सपा के साथ मिलकर बाईपोल्स लड़ेंगे, यानी बाईपोल्स का चुनाव लड़ेंगे और इससे बहुत मुश्किल में पड़ सकती हैं मायावती। मायावती को बहुत अच्छे से पता है कि संगठन स्तर पर खामियां थी सपा में और इस वजह से शायद सपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मायावती को यह भी पता है कि 2014 में शून्य सीटें आई थी उनकी, लेकिन 2019 में कम से कम वो 10 सीटें तो लेकर आई। उन्होंने मंथन किया होगा, समीक्षा की होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनका वोटिंग रेशियो समाजवादी पार्टी की अपेक्षा 2014 से लेकर 2019 में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे में क्या करना चाहेंगी मायावती? ऐसे में अगर शिवपाल अगर सहारा बन जाते हैं सपा का तो बहुत मुश्किल में मायावती पड़ेंगी, क्योंकि मायावती के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। और एसपी और पीएसपी यानी कि अगर देखा जाए बहुत सी सीटों पर शिवपाल सिंह यादव ने भले ही अपना प्रदर्शन उनका बहुत ही बुरा रहा है, पहली बार मुखिया के तौर पर वो चुनाव लड़े सांसद का, लेकिन नहीं हार गए वो, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट काटने की राजनीति बहुत दिलचस्प तरीके से की। अब ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव को मनाने में मुलायम सिंह यादव कामयाब हो जाते हैं, अखिलेश यादव खुद इनिशिएट करते हैं, पहल करते हैं शिवपाल सिंह यादव के पास जाकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ आसार निकल सकते हैं। जो खबर सामने आई इस खबर के अनुसार भी कहीं ना कहीं इस बात की पूरी संकेत व्यक्त किए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव सपा के साथ बाईपोल्स लड़ सकते हैं। बस विलय करना है या नहीं करना है इसके बारे में उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं दिया है, कोई फैसला नहीं दिया, क्योंकि इसके बारे में पहले अपने पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मुलायम सिंह से उन्होंने एक और बात कही है जो कि बहुत बड़ी बात है, राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव को दूर रखने की बात कही है। शिवपाल सिंह यादव का ये साफ साफ कहना है कि राम गोपाल यादव को दूर रखा जाए, क्योंकि वो अखिलेश को भड़काते हैं और अखिलेश उनकी बातों में आते हैं, और इसी वजह से शायद शिवपाल को सपा से अलग होना पड़ा था और इसी वजह से अब शायद प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर भी गाज गिर सकती है, मुलायम सिंह उनका पत्ता काट सकते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि शिवपाल और प्रोफेसर राम गोपाल यादव में नहीं बनती है, राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और दोनों बहुत सलाह मशवरा करके काम करते हैं। जब काफ़ी टूट फूट की कगार पे आई थी सपा, जब चाचा भतीजे में काफ़ी बहसबाजी बढ़ गई थी, उसके पीछे भी राम गोपाल यादव ही वजह बताए जा रहे थे, जब मुलायम सिंह ने दोनों को पार्टी से फायर कर दिया था, याद है आपको वो दौर। लेकिन फिर अगले दिन मुलायम सिंह ने दोनों की वापसी भी करा ली थी। भाई पुत्र मोह है, बेटा है तो कैसे छोड़ सकते हैं वो। अब ऐसे में राम गोपाल यादव पर क्या गाज गिरती है तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर सवाल उठाए हैं शिवपाल ने, तो शिवपाल को अगर पार्टी में लेकर आना है तो मुलायम उनकी इस मांग पर ज़रूर सोचेंगे और कहीं ना कहीं उनकी इस बात पर भी फैसला ज़रूर करेंगे। अब ऐसे में मायावती पर बात कर लेते हैं। मायावती के लिए मुश्किलें इसलिए पैदा होंगी क्योंकि मायावती अब एकला चलोरे यानी कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन शिवपाल अब फिर से एसपी में आ रहे हैं, यानी कि एसपी का परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है बाईपोल्स में, इस बात में कोई शक नहीं है। और अगर शिवपाल के आने से एसपी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, प्रदर्शन अच्छा हुआ, तो निस्संदेह अखिलेश शायद ही शिवपाल को पार्टी से जाने दें। और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियों का विलय हो जाए और फिर से चाचा भतीजे एक हो जाए।
लेकिन कहते हैं ना कि जो धागा प्रेम का टूट जाता है अगर फिर उसमें अगर गांठ पड़ती है तो फिर वो गांठ पड़ी ही रहती है। तो शिवपाल भी हो चाहे अखिलेश यादव, हम गांठ तो दोनों के दिलों में पड़ी है, लेकिन इस गांठ को उन्हें साइड में रख के ही पार्टी को चलाना होगा, क्योंकि अगर ऐसे अगर गांठों पे काम होता रहा तो शायद साठ गांठ नहीं हो पाएगी, साठ गांठ नहीं हो पाएगी तो फिर ऐसे में विरोधी पार्टियां बाजी मार ली जाएंगी, सपा धरी की धरी उत्तर प्रदेश में रह जाएगी। अखिलेश यादव को भी अगर अपना सपना मुकम्मल करना है 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, अब बनते हैं या नहीं बनते हैं तो बहुत बहुत दूर की बात है, क्योंकि चुनौतियाँ उनके सामने बहुत हैं, वो फैलाए खड़ी हुई, लेकिन हाँ शिवपाल के साथ अगर आते हैं, शिवपाल का साथ लेते हैं तो निस्संदेह उनका सपना थोड़ा सा कहीं ना कहीं असहज हो सकता है, आसान हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक पेच है, पेच ये है कि शिवपाल अगर पार्टी में शामिल होंगे तो हो सकता है कि वो चाहें उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया जाए, क्योंकि अगर अगर अखिलेश सीएम बनने की ख्वाहिशमंद हैं तो फिर भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को संभालना चाहेंगे या तो कोई ऐसा बड़ा जिम्मा संभालना चाहेंगे ताकि उनका भी ओहदा लगे पार्टी में। और शायद अब इस अखिलेश यादव इस बात पर कितनी हामी भरते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से तैयार है, शिवपाल सिंह की हर बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दर्शकों आज था ये खास प्रोग्राम, कल होगी फिर से किसी खास मुद्दे के साथ मुलाकात, लेकिन तब तक नमस्कार।